नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्राम टू फाइंड द रिवर्स नंबर ऑफ अ गिवन नंबर। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। सो गाइस, द एग्जांपल इज सी प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स नंबर ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब कि अगर आपको एक नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए कि उस नंबर का रिवर्स नंबर प्रिंट करा दो, उस नंबर का रिवर्स नंबर डिस्प्ले करा दो, तो आप कैसे करोगे। तो देखो, पहले यहाँ पे एक बात आती है कि व्हाट इज रिवर्स नंबर। तो देखो, सपोज आपको एक नंबर दिया जाए 943, और अगर आपको कहा जाए कि इसका रिवर्स नंबर प्रिंट करा दो, तो इसका रिवर्स नंबर क्या बनेगा, तो वो बनेगा 349। ओके, अब आपका समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रिवर्स नंबर। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपकी हेडर फाइल है, और उसके बाद मेन फंक्शन void main। अब देखो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसमें कि हम एक्सेप्टेड वैल्यू को, एक्सेप्टेड नंबर को स्टोर करा देंगे। सो इंटीजर num, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, वो है num। तो अब हम अपने यूज़र से कहेंगे कि अपना नंबर एंटर करो। तो प्रिंट एफ एंटर नंबर, और अब स्कैनएफ की मदद से हम उस नंबर को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे नम वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि अब यहाँ पे नीचे जितने भी लाइंस आएंगी इस व्हाइल लूप के अंदर, वो तब तक हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक कि नम की वैल्यू वो है ज़ीरो नहीं आ जाती। तो देखो, अब देखते हैं कि आगे क्या बनेगा। तो देखो गाइस, शायद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, पर जब मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको सिखाऊंगा तब आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना। तो अब मैं यहाँ पे इस नंबर का रिमाइंडर फाइंड कर लूँगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10। इस मॉड का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू गिवन नंबर। तो आगे सम इज इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैंने जो भी रिमाइंडर आया था उस रिमाइंडर को मैंने सम में स्टोर करा दिया, बट उससे पहले मैंने सम की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों, इस सवाल का जवाब आपको एग्जीक्यूशन के वक्त मिल जाएगा। तो देखो आगे, मैंने num इज इक्वल टू num डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। अब ये क्यों, अब देखो यहाँ पे 3 का काम जो है वो समाप्त हो चुका है, तो मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 94। अब आगे, अब यहाँ पे व्हाइल लूप जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब इन 3 लाइंस की मदद से मैंने रिवर्स नंबर फाइंड कर लिया है, तो मैं इस रिवर्स नंबर को प्रिंट कर लूँगा। तो आगे प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इज परसेंटेज डी एंड सम, मतलब कि यहाँ आपके सम की वैल्यू जो है वो आपका रिवर्स नंबर है। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे बनेगा। सपोज मैंने नंबर एक्सेप्ट कर लिया 345, मतलब कि यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है, वो है 345। तो अब हम चेक करेंगे व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बिल्कुल है, तो अब हम इसके ब्लॉक के अंदर चलेंगे। तो
तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मोड 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 345 मोड 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा 5। ओके, अब याद रखना कि हमारी रिमाइंडर की वैल्यू वो है 5, तो उसके आगे सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे मैं जो है वो सम की वैल्यू को इनिशियलाइज करना भूल गया था, तो सम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैंने सम की वैल्यू को जो है वो इनिशियलाइज कर लिया 0 से। तो अब सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, अब यहाँ पे पहले सम की वैल्यू का है वो है 0, तो सम इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 5, तो यहाँ पे अब सम की वैल्यू का है वो है 5। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे इस 5 का काम जो है वह समाप्त हो चुका है, तो नम इज इक्वल टू 345 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 34। ओके, अब हम अगेन चेक करेंगे फाइल की कंडीशन को, अब वो क्या है, 34 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल है, तो हम चलेंगे इसके ब्लॉक के अंदर। तो फिर से यहाँ पे रिमाइंडर, अब यहाँ पे 34 है, 345 नहीं, तो 34 मॉड 10, अब यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है, वो है 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 प्लस हमारा करंट रिमाइंडर, अब वो क्या है, वो है 4, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 54। अब आपको दिख रहा होगा कि ये रिवर्स नंबर बनना शुरू हो चुका है, तो अब आगे, अब यहाँ पे देखो 34 में से अब यहाँ पे 4 का काम हो चुका है, तो मैं इस 4 को निकाल लेता हूँ, तो नम इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 3। अब हम अगेन चेक करेंगे व्हाइल की कंडीशन को, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल है, तो अगेन हम चलते हैं व्हाइल की ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पे अगेन रिमाइंडर 3 मॉड 10, अब यहाँ पे 3 मॉड 10 करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3, और अब यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू क्या है, वो है 54, तो 54 इंटू 10 540, और अब हमारा करंट रिमाइंडर जो है 3, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 543। अब ये जो है हमारा रिवर्स नंबर आ चुका है। अब आगे नम इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0, तो अब नम की वैल्यू बन गई 0। अब हम चेक करते हैं फाइल की कंडीशन, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं, 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे व्हाइल लूप का काम जो है वो समाप्त हो जाएगा और हम व्हाइल लूप से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ के सम की वैल्यू क्या है, वो है 543, और ये है हमारा रिवर्स नंबर। तो आगे प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इज परसेंटेज डी एंड सम, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा रिवर्स्ड नंबर इज 543। तो अब यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो गाइस, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, तो भाई इंसान हूँ तो गलती तो करूँगा ही। तो देखो, तो इस वीडियो में मैंने इंटीजर नम की मदद से नम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे सम के वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना था, जो कि मैं भूल गया था। तो अब देखो, अगर आपने सम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो आपके पूरे प्रोग्राम में जिस जिस जगह पर आपने सम का यूज़ किया है वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।